हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको लेसन 5 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हाउसेस, मतलब घरों के प्रकार। इसमें आपका फर्स्ट पेज जो है एक ऐसी पिक्चर बनी है, इसे आपको कलर करना है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए हैं हाउस लिखकर, इसमें जो कलर जिसका जो इस अल्फ़ाबेट का है, जहाँ पे जो अल्फ़ाबेट बना है उसे आपको कलर करना है। जैसे जहाँ पर एच बना है, एच के आगे ग्रीन लिखा, तो ये एच बना है तो एच के आगे ग्रीन लिखे ग्रीन कर देंगे। बाकी सारे ऐसे ही करना है। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइन। एक घर जो है वो हमारी सर्दी, गर्मी, बरसात और हवा से रक्षा करता है। अ हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड रॉबर्स। एक घर जो है वो हमें जंगली जानवरों से और लुटेरों से बचाता है। मटेरियल टू मेक अ हाउस। मटेरियल मतलब सामग्री जो घर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इन अ विलेज वी सी मैनी कच्चा हाउस। गाँव में हम बहुत से कच्चे घरों को देखते हैं। दे आर मेड ऑफ मड। मड मतलब मिट्टी, स्टोन्स मतलब पत्थर, एंड हैव अ स्ट्रॉ रूफ। स्ट्रॉ मतलब घास। तो वे घर जो है मिट्टी के, पत्थरों के, और उनकी छतें जो हैं वो घास की बनी होती हैं। नेक्स्ट है इन टाउन्स एंड सिटीज़ पीपल लिव इन पक्का हाउस। टाउन्स और कस्बे में और शहरों में लोग पक्के घरों में रहते हैं। कस्बों में और शहरों में लोग पक्के घरों में रहते हैं। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। ये घर जो है वो ईंटें और सीमेंट से बना होता है। पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउस। पक्का हाउस जो है वो कच्चे हाउस से पक्का होता है, घर मजबूत होता है। सम हाउसेज हैव फ्लैट रूफ्स। कुछ घरों की छतें फ्लैट होती हैं, मतलब समतल होती हैं। हाउसेज इन हॉट प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ। जो घर गर्म जगहों पर होते हैं उनकी छतें फ्लैट होती हैं, समतल होती हैं। सम हाउसेज हैव स्लॉपिंग रूफ्स। कुछ घरों की छतें फिसलौनी होती हैं। इन प्लेस उन जगहों में विच हैव हैवी रेन, जहाँ पर भारी बारिश होती है, और स्नो मतलब और बर्फ़ गिरती है। हाउसेज हैव स्लॉपिंग रूफ्स। घरों की छतें जो है वो फिसलदार होती है, फिसलन वाली होती हैं। फिर है टाइप्स ऑफ हाउसेज। और भी घरों के प्रकार होते हैं, जैसे दिया हुआ है दिस इज राजन्स हाउस। ये राजन का घर है। राजन एंड हिज फैमिली लिव इन अ अपार्टमेंट इन अ बिग बिल्डिंग। राजन और उसकी फैमिली एक बड़े बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में रहते हैं। मैनी पीपल इन सिटीज। शहरों में बहुत से लोग लिव इन सच बिल्डिंग, इन बिल्डिंगों में रहते हैं। नेक्स्ट है प्रिया एंड हर फैमिली लिव इन अ बंगलो। मतलब प्रिया और उसकी फैमिली जो है वो एक बंगले में रहती है। इट इज़ अ बिग हाउस विद मैनी रूम्स। ये बहुत से कमरों का एक बड़ा सा घर है। डू यू नो दैट सम पीपल लिव इन हाउस बोट। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग हाउस बोट मतलब कि नाव वाले घर में भी रहते हैं। हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेस। हाउस बोट जो है नाव वाले जो घर हैं वो तैरते हुए घर होते हैं। वी सी हाउस बोट इन कश्मीर एंड केरला। हम हाउस बोट को कश्मीर और केरला में देख सकते हैं। सम पीपल लिव इन टेंट्स। कुछ लोग जो हैं वो टेंट में रहते हैं। इन द डिज़र्ट अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के चारों ओर रेगिस्तान में पीपल लिव इन टेंट। लोग जो हैं वो टेंट में रहते हैं। इफ़ यू गो कैंपिंग। अगर आप कैंपिंग में गए होंगे तो यू विल ऑल्सो लिव इन अ टेंट। तो आप भी टेंट में रहे होंगे। इन सम प्लेस विद हैवी रेनफॉल पीपल बिल्ड हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स। कुछ जगहों पर जहाँ बहुत बारिश होती है लोग अपने घरों को ऊंचा बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं। द हाउस इज बिल्ड ऑन स्टिल। घरों को ऊंचा बनाने के लिए मेड ऑफ बैम्बू, बैम्बू पर बनाते हैं, मतलब घरों को ऊंचा करने के लिए घरों को बैम्बू पर बनाते हैं। इस्किमोज लिव इन इग्लूज। इस्किमोज जो हैं वो इग्लूज में रहते हैं। इग्लूज आर मेड ऑफ बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस। इग्लूज जो है वो आइस को काट कर बड़ा सा ब्लॉक बनाया जाता है। एंड इस्किमोज हैज़ टू क्रॉल इन टू द हाउस। और इस्किमोज इन घरों में आराम से रहते हैं। सम पीपल लिव इन ट्रेलर्स और कैरेवन्स। कुछ लोग कैरेवन मतलब एक गाड़ी वाला घर होता है उसे कहते हैं, उसमें भी रहते हैं। दीज आर होम्स ऑन व्हील्स। ये घर पहियों पर बना होता है। पीपल वर्किंग इन अ सर्कस। जो लोग सर्कस में काम करते हैं। ट्रेवल इन कैरेवन्स। वो कैरेवन्स में यात्रा करते हैं। अवर हाउस मस्ट बी आ सेफ एंड कंफर्टेबल प्लेस। हमें अपने घर को आरामदायक और सुरक्षित जगह बनानी चाहिए। वी मस्ट कीप अवर हाउस
क्लीन एंड टाइडी। हमें अपना घर साफ और स्वच्छ रखना चाहिए।